दिल से दुआ है मेरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हिदायत काजी। व्यूवर्स की डिमांड पे आज मुझे फिर से मुंह मोड़ना पड़ा तलोजा की तरफ। आज का जो ब्लॉग है वो तलोजा विलेज के बारे में है कि तलोजा विलेज कैसा है, तलोजा विलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे रहन सहन और भी बहुत कुछ इस ब्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम तलोजा गांव का ब्लॉग। यह है तलोजा की जामा मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत है और ये आपको हैवी टच मिलेगी। ये देखिए पूरा हैवे है। ये जो हैवे है वो पनवेल टू शिलफाटा कल्याण टूवर्ड्स जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत तलोजा की जामा मस्जिद। मस्जिद के आगे आपको छोटा सा फिश मार्केट भी है तलोजा मस्जिद के सामने, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे बहुत सारी फिशेस वगैरह मॉर्निंग के टाइम पे आती है। अभी देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। फिश का जो मार्केट है तलोजा का वो भी देखते हैं अभी हम। ये देखिए ये है फिश मार्केट, तलोजा जो मस्जिद है उसके सामने का है ये। यहाँ पे अगर आप मॉर्निंग में आओगे तो आपको बहुत सारी फिशेस मिलेगी। अभी तकरीबन 12:30 हो चुके हैं दोपहर के, और जिसके वजह से यहाँ पे जो पूरा मार्केट था वो उठ चुका है। यह है एंट्री पॉइंट जो तलोजा गांव की तरफ है, आपको बताता हूँ। ये पनवेल महानगर पालिका तलोजा विलेज। अभी हम एंटर करेंगे तलोजा विलेज में, और ये एंट्री पॉइंट है तलोजा विलेज का। अभी दोपहर का वक्त है और धूप तो बहुत ज़्यादा है, सूरज सर पे खड़ा है। बहुत सारे आपको उलमा इकराम वगैरह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो मदरसा है वो अरबी तालीम का मदरसा है। ये इस्लामिक मदरसा है तलोजा का, और इसका नाम है दारुल उलूम इस्लामिया अरबिया तलोजा। ये देखिए बहुत ही बड़ा इस्लामिक मदरसा है। बहुत सारे जो बच्चे हैं इस मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, और बहुत ही अच्छा और उम्दा मदरसा है बच्चों की तालीम हासिल करने के लिए इस तलोजा गांव में। हमने यहाँ पे जूस पिया है और अभी हम आगे की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि आगे तलोजा गांव कैसा है। ये तलोजा गांव का मेन रोड है जहाँ पे आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, और सुपर मार्ट भी है तलोजा में, छोटे छोटे शॉप्स है, छोटे छोटे आपको घर मिलेंगे जो आपको याद दिलाएगी गांव की। कि गांव में जो घर होते हैं बंगलो टाइप, उस टाइप में यहाँ पे घर आपको मिलेंगे। अभी हम मेन रोड से थोड़ा और अंदर की तरफ जाएंगे। ये जो रास्ता है ये रास्ता जाता है स्कूल की तरफ। जो एक छोटे से गांव में हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आपको पूरा गांव का माहौल दिखेगा। एक्चुअली पूरा गांव ही है एक बॉम्बे में, जो तलोजा गांव जिसके नाम से हम जानते हैं। अभी नमाज का भी वक्त हो चुका है जोहर का, तो इस ब्लॉग को हम जल्दी ही यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और नमाज पढ़ने जाएंगे। देखेंगे हमें मस्जिद के अंदर का वीडियो बनाने मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो वो भी मैं आपको अभी शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। से दुआ है घर बने हुए हैं, अपना करम कर, पूरे बंगलो टाइप घर है। दोपहर का वक्त है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है अभी यहाँ पे। होगी खता। यह है तलोजा की उर्दू मीडियम स्कूल,
आज संडे का दिन है जिसके वजह से आज स्कूल का जो गेट है वो तो बंद ही रहेगा। मैंने कुछ तलोजा के लोकल्स लोगों से बात करने की कोशिश की कि तलोजा गांव की हिस्ट्री वगैरह आप बताइए, क्या है यहाँ पे, कैसा क्या है, पहले कैसा था। तो मुझे कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं मिला उनका कि उस बात को हम इस ब्लॉग के अंदर बता सकें, तो उन्हें वहीं पे छोड़ दिया और मैं आगे की तरफ आया और आपको इस गांव के बारे में बताया हूँ। हमने जोहर की नमाज मदरसे में अदा की और जो मेरे उस्ताद थे वो उस मदरसे में पढ़ाते हैं, तो मुझे ख्याल आया कि मैं उनसे बात करूँ, कॉल करूँ, उनसे मुलाकात करके जाऊँ। तो नमाज के पहले ही मैंने उनसे कॉल किया और उनको कहा कि मुझे मिलना है, तो बोले कि आप आ जाओ करके। तो पहले मैंने नमाज अदा किया मदरसे में और फिर उनसे जाके मैंने मुलाकात की। तो मैं तलोजा की जो जामा मस्जिद थी उसमें मैं नहीं गया, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उसका व्यू आपको नहीं बता सका। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।